इंग्लैंड में सरकार ने नया मंत्रालय बनाया है, लोनलीनेस मिनिस्ट्री है, और जापान में निसा बना है लोनलीनेस मिनिस्ट्री। बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं लोनलीनेस के कारण। अमेरिका को तो ऐसे इंडिया डेवलप्ड नेशन माना जाता है, और इंडिया भी ईश्वर मोदी जी ने कहा कि हम 2047 तक भारत को विकसित देश बनाएंगे, तो थोड़ा विकसित देश के बारे में चर्चा होना बहुत जरूरी है। तो अमेरिका में लोग ऑफिस जाते हैं, जब ऑफिस जाते हैं तो गारंटी नहीं कि उनकी जॉब सुरक्षित है, कोई गारंटी नहीं। When you go to office, there is no guarantee that your job is secure. And then when you come back home, there is no guarantee that your wife is there. And then you are very happy. You are developing this way. Let us understand what is life. जीवन है क्या? हम जीवन जी रहे हैं, हम जीवन में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप लाइफ से क्या अचीव करना चाहते हैं। हर व्यक्ति बिजी है, फॉर वॉट वी आर बिजी, फॉर वॉट, किसके लिए क्या अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में क्या चाहते हैं, बताइए, कौन बताना चाहिए। सक्सेस, पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन। अरे वाह, आप लोग कैसे पता कि मैंने क्या लिखा है? आप लोग दिव्य दृष्टि है आप जन। यू सी, यू ऑल नो एवरीथिंग। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं आपको, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, है ना। जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में बताते हैं कि अमेरिका को तो ऐसे इंडिया डेवलप्ड नेशन माना जाता है, और इंडिया भी ईश्वर मोदी जी ने कहा कि हम 2047 तक भारत को विकसित देश बनाएंगे, तो थोड़ा विकसित देश के बारे में चर्चा होना बहुत जरूरी है। तो अमेरिका में लोग ऑफिस जाते हैं, जब ऑफिस जाते हैं तो गारंटी नहीं कि उनकी जॉब सुरक्षित है, कोई गारंटी नहीं। When you go to office, there is no guarantee that your job is secure. And then when you come back home, there is no guarantee that your wife is there. And then you are very happy. You are developing this way. विकसित देश है ना, क्या ख्याल है? ऐसे माहौल में सुसाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हैं? डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, बताइए। सो दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ, इसको हम अचीव करना चाहते हैं, सर नो हैप्पीनेस चाहते हैं। आप जानते हैं 75 साल रिसर्च हुआ हैप्पीनेस के ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आपको? जरूर सुना होगा। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 75 साल रिसर्च हुआ हैप्पीनेस के ऊपर कि खुशी कैसे मिलती है, हैं? जानना चाहते हैं क्या क्या कंक्लूजन है? 1940 में रिसर्च शुरू हुआ, 1940 जब देश आजाद नहीं हुआ था, और 75 साल 750 लोगों के लाइफ के ऊपर स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया। उसमें से आधे लोग गरीब थे, आधे लोग अमीर थे। बचपन जब छोटे थे तब से उनके लाइफ को साइंटिस्ट ने रिसर्च करना शुरू किया, डेली उनका डाटा लिया जाता था, आज आप कैसा फील कर रहे हैं, आज आप कैसा फील कर रहे हैं। 75 साल तक लोग कितने सैकड़ों करोड़ रुपए लगाए गए उस रिसर्च पे, कई करोड़ रुपए लगाए गए 75 साल तक, 750 लोगों के रिसर्च हुआ। 2015 में उसका रिजल्ट आया, तब तो कई लोग मर चुके थे। रिजल्ट क्या है आप जानते हैं कि खुशी कैसे मिलती है जीवन में? जानते हैं क्या होता है खुशी? हैप्पीनेस पैसे से
नहीं। रिजल्ट आपको सुनाऊं मैं, आप यूट्यूब पे जाके टाइप कर सकते हैं, मिल जाएगा। हैप्पीनेस पैसे से नहीं आती, हैप्पीनेस बंगला गाड़ी खरीदने से नहीं आती, हैप्पीनेस फेसबुक पे 5000 फ्रेंड रखने से नहीं आती। तो हैप्पीनेस आती कैसे बताते हैं? हैप्पीनेस आता है रिलेशनशिप से। किससे? इफ यू हैव वेरी लविंग रिलेशनशिप इन योर लाइफ देन यू आर हैप्पी। अदरवाइज कितना भी पैसा है बेकार है। तो इसके लिए इतना समझने के लिए कि प्रेम से ही खुशी मिलती है। अगर आपके लाइफ में प्रेम है तो आपको आनंद, नहीं है तो बेकार है। इतनी बात समझने के लिए 75 साल लगा है ना। और हमारे इंडिया में एक कवि ने क्या कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित कोई। तो बोले नहीं, हम इन्हें मानते, हम कुछ और करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, हम मिसाइल बनाएंगे तब पंडित होए। और आज की स्थिति क्या है? आज देखो सब आने वाले 10-15 साल में विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या होने लगी आप जानते हैं? क्या सबसे बड़ी समस्या? लोनलीनेस। लोनलीनेस एपिडेमिक बन गया है आज के समय में, अकेलापन। फेसबुक पे 5000 दोस्त, लाइफ में एक भी नहीं। सही बता रहा हूं, फेसबुक पे 5000 लाइफ में एक भी नहीं, जिससे हम दिल की बात शेयर कर सके। कोई तो होता जिसको हम अपना कह लेते। क्या क्या है, एक भी नहीं है। इसलिए लोनलीनेस हैज बिकम द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। इंग्लैंड में सरकार ने नया मंत्रालय बनाया है, लोनलीनेस मिनिस्ट्री है। और जापान में निशा बना है लोनलीनेस मिनिस्ट्री। ये बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं लोनलीनेस के कारण। डॉक्टर्स बताते हैं कि लोनलीनेस किल्स, अकेलापन 15 सिगरेट पीने के बराबर है। डेली कोई व्यक्ति 15 सिगरेट पी रहा है, उतना डेंजरस है अकेलापन। तो अगर आप सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो आप खुश मत रहिए, क्योंकि एनीवे आप अकेले हैं और आप 15 सिगरेट के बराबर आपको नुकसान हो रहा है। क्यों समझ में? क्योंकि चीता और चिंता में क्या अंतर है? चीता और चिंता, चीता जो है वो मरे हुए शरीर को जलाती है और चिंता जो है वो जिंदा शरीर को जलाती है। तो लोनलीनेस जो है वही है चिंता है, जो जिंदे जीते जी हमको जलाती है। साथ में रह नहीं पाते, अकेले जी नहीं पाते। क्या जी नहीं पाते? समझ में नहीं आता है कहां जाएं, तो आप यहां आ सकते हैं। आप यहां आ सकते हैं। देखो लाइफ में ये लक्ष्य है और जितना कुछ कर रही है, देखो इतना एडवांसमेंट, इतने सब कुछ बनाया जा रहा है, इतनी स्कूल, इतने कॉलेजेस, इतनी यूनिवर्सिटी, 25-25 साल तक पढ़ाई करते हैं, इतने सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट, वो कोर्ट, इतनी लाखों की संख्या में पुलिस है, करोड़ों की संख्या में आर्मी, इतने प्रकार के आर्म्स, डिफेंस फोर्सेज, इतना सब कुछ, ये सब किसके लिए है? यही तीन के लिए ना, ये सब स्मार्टफोन, ये वो, मेट्रो, मोबाइल, सब किसी भी इसलिए तो है। और ये सब कुछ होने के बाद हमको देखना चाहिए क्या हम ये अचीव हो पा रहे हैं लाइफ में। तो कहीं ना कहीं सब कुछ हो गया लेकिन जो लक्ष्य था वो प्राप्त
नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम कहीं भटक गए, कहीं भटक चुके हैं और गलत रास्ते पर अटक चुके हैं, है ना? अटक गए हैं गलत रास्ते पे, हैं? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा इस पे विचार करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सोचे, थोड़ा रुक जाएं। भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागता घोड़ा घास नहीं खा सकता। घोड़ा भाग रहे हैं तो घास कैसे खाएगा? घास खाने के लिए रुकना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हम इतने बिजी हैं फॉर व्हाट? तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा आइए, यहाँ बैठिए हमारे साथ, है ना? बीच बीच में एटलीस्ट संडे के दिन छुट्टी रखिए, क्या ख्याल है? जो चीज इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने से नहीं हासिल हो सकता, यहाँ बैठ के 5 मिनट सुकून से बात करने से, एक दो माला जप करने से प्राप्त हो जाए। तो कभी कभी हमें थोड़ा बैठ जाना चाहिए, थोड़ा, है ना, मोबाइल वोबाइल बंद करके, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग कई बार मैं देखता हूँ कि हम एकांत में बैठे हैं, देखो हम एकांत में जा रहे हैं मेडिटेशन करने, बिल्कुल कोई दूर दूर तक जंगल के अंदर, लेकिन मोबाइल साथ में है। तो मोबाइल साथ में, तो सारी दुनिया साथ में लेके गया है, तो सारी दुनिया तो पॉकेट में है कि नहीं? इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, आइंस्टीन थ्योरी, न्यूटन थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी, इतना समय देते हैं, है कि नहीं? तो 20 साल 25 साल पढ़ाई करते हैं, तो थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए, थोड़े लेक्चर सुनने चाहिए हैप्पीनेस के ऊपर भी, है कि नहीं? खुशी कैसे मिलती है लाइफ में, उसके ऊपर भी थोड़ा एक दो कोर्स अटेंड करना चाहिए, है कि नहीं? 1-2 लाख रुपए का ट्यूशन पढ़ा दें, कोचिंग, एक कोचिंग खोल देते हैं, हैप्पीनेस कोचिंग, क्या ख्याल है? तो कोई है कोचिंग, इसलिए हमने कोचिंग खोला है। पहले मंदिर में हम नहीं जाते, मंदिर में आपको बुला कौन रहा है? हम आपको कोचिंग में बुला रहे हैं, आइए कोचिंग आइए, हैप्पीनेस में कोचिंग में आके बैठिए, तो सीखिए कि जीवन में सुख प्राप्त करने की कला, आर्ट ऑफ न अचीविंग हैप्पीनेस, हाउ टू अचीव हैप्पीनेस इन लाइफ। तो पहले तो जानना चाहिए खुशी है क्या, सबसे पहला चीज़ क्या है, खुशी है क्या? हम सोचते हैं, चूहा सोचता है माउस ट्रैप के अंदर बहुत खुशी है, उसी में घुस जाता है, नहीं तो आप देखें चूहे को घुस जाएगा और खाता रहेगा चीज और फंस जाता है, फिर भी उसको टेंशन नहीं रहता है। आपने देखा, वो तब तक टेंशन नहीं है जब तक ये चीज रहेगा, चीज एक बार खा जाएगा, पैखाना खाना सब कर देगा उसी में, उसके बाद जब दोबारा भूख लगेगा तब चीज खत्म हो चुका हो तब उसको सोचता है, तब बाहर निकलने का सोचता है, तब देखता है तो दरवाजा बंद हो गया, तब थोड़ा टेंशन होता है, तब तक टेंशन नहीं होता है, उसको लगता ही नहीं, उसको तो चीज है तो क्या टेंशन। तो उसी तरह से हमको खुशी किस में मिलती है, हमको पहले जानना चाहिए, है ना?